हेलो एंड वेलकम टू जिग्नेशन। मैं हूँ स्वाति खंडेलवाल और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं टेस्ट ड्राइव ऑफ Hyundai Aura। जी हाँ, ये गाड़ी कंपनी की तरफ से इन द न्यू अवतार लॉन्च हुई है। इसकी फेसलिफ्ट इसलिए की गई क्योंकि इसको अब एमिशन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करना था और साथ ही साथ कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस भी गाड़ी में किए गए हैं, फीचर्स कुछ ऐड किए गए हैं। प्राइस रखी है 6.5 लाख रुपए से लेकर करीब 9 लाख रुपए। सो ये प्राइस रेंज में इस गाड़ी में अब क्या बदला है, आइए आपको बताते हैं। Yay. 2023 Hyundai Aura फेसलिफ्ट के डिजाइन की बात करें तो इसमें कॉस्मेटिक डिजाइन अपडेट किए गए हैं। इसके फ्रंट फेशिया में 3D मैश पैटर्न में नया ब्लेड आउट ग्रिल दिया गया है जो इसे फ्रेश लुक दिलाने में मदद करता है। साथ ही इसमें दिया गया नया बूमरैंग शेप का LED DRL और अपडेटेड बम्पर दिखने में काफी अट्रैक्टिव है। साइड लुक की बात करें तो कार में अलॉय व्हील्स के नए सेट को छोड़कर इसका साइड प्रोफाइल मौजूदा मॉडल की तरह ही दिखाई देता है। इसके मिड स्पेक वेरिएंट में ड्यूल टोन स्टील व्हील मिलते हैं जबकि टॉप स्पेक मॉडल में 15 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसके अलावा कंपनी ने कार के डोर हैंडल को क्रोम फिनिश से जोड़ा है। साथ ही इस कार के विजुअल अपडेट में ब्लैक आउट बी पिलर और रियर में क्रोम गार्निश को भी शामिल किया गया है। इंटीरियर की बात करें तो इस कार में नए सीट फैब्रिक डिजाइन और Aura ब्रांडिंग के साथ ही ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स, लेदर कवर स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब दिया गया है जो क्रोम फिनिश से सराउंडेड है। इसके अलावा इस कार में MID के साथ एक नया 3.5 इंच का क्लस्टर, Type-C USB फास्ट चार्जिंग और फुटवेल लाइटिंग 2023 Hyundai Aura में मिलने वाले नए फीचर्स हैं। इसके साथ ही इसमें एक वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, Apple CarPlay और Android Auto, 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वॉइस रिकग्निशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs और पुश बटन स्टार्ट स्टॉप के साथ एक स्मार्ट की जैसे फीचर्स दिए गए हैं। ये तो बात हुई इस कार के लुक्स एंड फीचर्स की। चलिए अब देखते हैं इसे चलाकर और जानते हैं परफॉर्मेंस में 2023 Hyundai Aura कैसी है। अगर इसके ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करें तो अब इसमें आपको डीजल और टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं मिलते हैं। कंपनी ने केवल इसका 83 हॉर्स पावर का पेट्रोल इंजन, द 1.2 लीटर इंजन रखा है। साथ ही आपको इसका CNG पेट्रोल वेरिएंट भी मिलता है या आप ऑल्सो सेलेक्ट कर सकते हैं द इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल विच इज़ द E20। तो ये ऑप्शंस कंपनी ने रखे हैं कंसिडरिंग द फ्यूचर और ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी व्हेन इट कम्स टू फ्यूल। जो वेरिएंट हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं वो है मैनुअल वेरिएंट एंड दिस इज़ मेटेड विद अ 5-speed ट्रांसमिशन। और अगर गियर शिफ्ट्स की बात करें तो प्रीटी स्मूथ एंड नाइस टू ड्राइव। इफ़ यू लुक एट द कार फ्रॉम द इंटीरियर्स, काफ़ी कुछ बदलने की कोशिश की है इन टर्म्स ऑफ द चेंजेस, द वे इट लुक्स। पहले ये ग्रैंड i10 की काफ़ी आइडेंटिकल थी, अब इंटीरियर्स में काफ़ी बदलाव किए हैं कि टू गिव इट अ डिस्टिंक्टिव लुक और ख़ास करके थोड़ी सी स्पोर्टी अपील भी करने की कोशिश की है। ओवरऑल फिट फिनिश, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज इज़ नाइस, सो नो कंप्लेंट्स देयर। हालांकि सीट्स अगर मैं बोलूँ, स्पेशली जो पैसेंजर फ्रंट सीट्स हैं उसमें थोड़ा कुशनिंग इज़ लिटिल स्टिफ एंड नॉट एज कंफर्टेबल एज इट इज़ एट द बैक। सो वहाँ पर थोड़ा सा आई फील दैट कुड हैव बीन मेड मोर ऑन द कंफर्ट साइड बिकॉज ये गाड़ी ज़्यादा लोग खुद ही चलाना प्रेफर करेंगे। सो दैट आई थिंक इज़ वन पॉइंट दैट आई वांटेड टू हाईलाइट। अगर फीचर्स की बात करें, आप जानते हैं Hyundai ऑलवेज अंडरस्टैंड्स दैट टेक्नोलॉजी को यहाँ जितना कंज्यूमर तक पहुँचाया जाए the right technology at the right price, I think वो definitely यहाँ हमें दिख रहा है. यहाँ पर आपको wireless charging tray भी दी गई है in this car, so you get that feature also in this one. Overall center console, the space, bright interiors, the way it's now you know overall packaged, I think अच्छी बात है. Hyundai के मुताबिक ये कॉम्पैक्ट सेडान 30 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर से लेस है. इसके साथ ही इसमें कई फर्स्ट और बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स दिए गए हैं. इस 5-सीटर सेडान में स्टैंडर्ड तौर पर 4 एयरबैग्स दिए गए हैं. इसके साथ ही इसमें 6 एयरबैग का ऑप्शन भी मिलता है. सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस कार के एमटी वेरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर और मैनुअल में ऑप्शन के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. इसके साथ ही इसके हाईलाइन वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स और बर्गलर अलार्म भी बतौर फीचर दिए गए हैं. अगर इसको समराइज़ किया जाए और इस गाड़ी के बारे में अगर हम देखें किन से ये कम्पीट करती है, कौन से सेगमेंट में ये स्टैंड आउट करती है. ऑफकोर्स प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया 6.5 से करीब 9 लाख रुपए तक की प्राइस रेंज में आपके इसके सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं. और अगर कंपटीशन की बात करें तो डिज़ायर ऑफकोर्स वेरी पॉपुलर कार फ्रॉम मारुति सुजुकी, होंडा अमेज, टाटा टिगोर, इस स्पेस में ये ऑपरेट करती है. हालांकि हम देख रहे हैं लोगों का रुझान टुवर्ड्स एसयूवी ज़्यादा है और वहाँ ज़्यादा सेल्स हो रही है, लेकिन अभी भी एक कॉम्पैक्ट सेडान का मार्केट है, एग्जिस्ट करता है और लोग प्रेफर भी करते हैं क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी ड्राइविंग बढ़िया मिलती है, ओवरऑल स्पेस भी ठीक ठाक है. वेल, मैं पर्टिकुलरली इसके लुक्स की फ़ैन नहीं हूँ. आई डोंट लाइक द वे इट लुक्स एज मच एज द अदर Hyundai कार्स, बट ओवरऑल फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और नाउ इट्स अपडेटेड व्हेन यू टॉक अबाउट सेफ्टी एंड एमिशन नॉर्म्स. और जो कॉस्मेटिक चेंजेस इसमें किए हैं टू मेक इट मोर स्टाइलिश, एटलीस्ट कंपनी की तरफ से वो एफर्ट डाला है और अंदर भी जो फीचर्स ऐड करने की कोशिश की है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो भी बढ़िया है. सो इफ़ दिस इज़ द प्राइस एंड यू रियली हेल बेंट ऑन अ सेडान देन ये एक अच्छा विकल्प है आपके लिए.